ब्यूटीफुल एंजल्स, दिस इज मिस टिक्सी फ्रॉम मैजिक विंस टैरो हिंदी उर्दू फ्रेंड्स, और ये है आपके लिए आपके पर्सन क्या सूत्र है, क्या मैसेज है उनका। जी हाँ, वैलेंटाइन स्पेशल। जी हाँ फ्रेंड्स, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, शेयर कर लो, इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर लो, एंड पर्सनल रीडिंग्स बाय करने के लिए विजिट आवर वेबसाइट। जी हाँ, और फ्रेंड्स अगर आप व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट फॉर यू चार्म्स पिकर कार्ड रीडिंग देखना चाहते हो तो मैंने मेन चैनल पे कर दी है मैजिक विंस टैरो पे, प्लीज़ आप जाके चेक कर लो। टाइम स्टैम्प्स में लिंक है एंड जस्ट अ सेकेंड। एंड फ्रेंड्स आप कैसे हो, हाउ आर यू ऑल डूइंग, एंड टुडे वी हैव अ स्पेशल सेटअप फॉर द वैलेंटाइंस डे। सो येस, एंड विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी वैलेंटाइंस डे। या इट्स बिलेटेड, बट या यू नो सेंट वैलेंटाइंस तो हमेशा ही हमारे साथ होते हैं, सो प्यार के लिए तो हर दिन ही अच्छा है। एंड आई गॉट सम फ्रेश फ्लावर्स हियर टुडे, सो येस। अब आप पूछोगे किसने दिए, मुझे आप बताओ आपका वैलेंटाइंस कैसा था, हाउ वाज योर डे फ्रेंड्स, डिड यू स्पेंड इट इन अ गुड वे, क्या आपने इन्जॉय करा, एंड इफ नथिंग क्या आपने खुद को यू नो डिड यू लव योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बिकॉज ये बहुत ज़रूरी है, और स्पेशली क्या पॉजिटिव रहे या नहीं, क्योंकि आजकल हमारा एक ही चैलेंज और एम है 2024 में कि हम ज़्यादा से ज़्यादा खुश रहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव रहेंगे, बिकॉज फ्रेंड्स दिस इज़ हाउ द ईयर इज़, कि हम जितना अच्छा अच्छा सोचेंगे उतना अच्छा अच्छा होगा हमारे साथ, राइट। सो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, और मौसम की मार कैसी चल रही है फ्रेंड्स। आई थिंक आई होप यू गाइज आर एक्चुअली वेल, द वेदर इज़ प्लेइंग अ लॉट। आई वुड सजेस्ट यू फ्रेंड्स कि आप लोग हाइड्रेट रहो अच्छे से, मतलब एकदम यू नो प्रिकॉशंस लेते रहो, मास्क वगैरह लगा लो इफ़ यू नीड टू, इफ नॉट नेसेसरी जस्ट अप योर इम्यूनिटी अ लिटिल बिट, बिकॉज व्हाई एम आई सेइंग दिस, बिकॉज वेदर चेंज बहुत हो रहा है, राइट। सो ट्राई, अगर आपके उधर नहीं हो रहा है तो बहुत बढ़िया बात है, इधर तो बहुत हो रहा है, लाइक आज इतनी फिर से सर्दी है कि फीलिंग दिस। कल नहीं थी, आज वापस है, ये देखो आप, just look what I am wearing again, it's like the thickest sherpa I can get. So friends chaliye, let's start the reading, aur ye inki fragrance bahut pyari aa rahi hai, I wish aap logon ko main bhej pati ye sare phool, and personally I wish I could gift you all something, and I wish you all like love, happiness, and you know amazing blessings all the time, and I pray for you every day. सो आप मतलब मैं पोस्ट करूँ रीडिंग नहीं करूँ, आप लोग हमेशा मेरे जहन में रहते हो, आई ऑलवेज ऑलवेज एवरी डे प्रे फॉर यू, जितने टाइम से मैं यहाँ पे हूँ आई ऑलवेज प्रेड फॉर यू ऑल्सो, बिकॉज आई लव यू गाइज, आई लव यू सो मच, एंड द यूनिवर्स ऑल्सो लव्स यू, दैट्स डेफिनेटली देयर। सो चलिए देखते हैं आपके पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है, जिनका आपको एक्चुअल में बेसब्री से इंतज़ार है सुनने के लिए, राइट। आप उन्हीं को सुनने आए थे, मुझे तो नहीं। हाँ बट मैं बीच में बोल देती हूँ काफ़ी सारा, एक्चुअली आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक यू लाफ, बिकॉज आई नो काफ़ी सारे लोग बहुत प्रेशर में फील कर रहे हैं आजकल, प्रेशर्स बढ़ रहे हैं, तनाव बढ़ रहा है। सो चलिए देखते हैं आपके पर्सन की लाइफ में क्या हो रहा है, लेट्स सी व्हाट इज़ हैपनिंग विद आवर यूवर्स पर्सन्स लाइफ। टेन ऑफ कप्स, फैमिली। सो क्या बात है फ्रेंड्स, आपके पर्सन की लाइफ में फैमिली हो सकता है इम्पॉर्टेंट हो सकता है वो आपको एज अ फैमिली की तरह देख रहे हैं। एट ऑफ पेंटिकल्स, दिस पर्सन इज़ वर्किंग वेरी वेरी हार्ड, काफ़ी बिजी लग रहे हो सकता है, घर वगैरह गए हुए हों इसीलिए आपके आस यू नो अगर उनका घर आपके आसपास है तो हो सकता है वो आपके घर के आसपास हों, या आई ऑल्सो फील अपनी फैमिली पेरेंट्स वगैरह से मिल रहे हैं आपके पार्टनर और वो इस वजह से काफ़ी बिजी लग रहे हैं। सिक्स ऑफ वन, सक्सेस। आई फील आपके पर्सन, काफ़ी सारे लोग आपके पर्सन जो हैं, फॉर मेनी ऑफ यू योर पर्सन इज़ फीलिंग वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट दिस कनेक्शन। आई ऑल्सो फील आपके पर्सन जो हैं कुछ शेयर करना चाहते हैं आपसे, लाइक इन द पास्ट वो पहले रेडी नहीं थे शेयर करने के लिए, बट नाउ दे फील मोर कॉन्फिडेंट अबाउट देयर लुक्स। अगर इनको कॉन्फिडेंस इश्यूज़ थे तो डेफिनेटली उसमें चेंज आया है। एट ऑफ वॉन्स, आई फील आपके पर्सन कुछ एक्शन लेने को प्लान कर रहे हैं, लाइक दे वॉन्ट टेक सम एक्शन टूवर्ड्स यू, मैसेज यू और समथिंग लाइक दैट। वो देखते हैं क्या एक्शन लेंगे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो तैयार हो रहे हैं, कॉन्फिडेंस लेवल्स बढ़ा रहे हैं। और अगर ये क्रश है, ये पर्सन कोई भी हो सकते हैं, आपके क्रश, आपके लवर, ट्विन फ्लेम, कोई भी हो सकते हैं, एंड आई डोंट नो आपको दिख पा रहे हैं कि नहीं, इसमें बहुत सारे ऐसे प्यारे प्यारे ग्रीन फ्लावर्स भी हैं। सो
आई डोंट नो इन फ्लावर्स को क्या कहते हैं, दिस ग्रीन वंस, आई हैव नो आइडिया, बट काफ़ी सुंदर है ये, देर दीज आर देर दीज ग्रीन फ्लावर्स, बहुत ही खूबसूरत है. आई ट्राई टू शो इट टू यू आफ्टरवर्ड्स मे बी इफ आई रिमेंबर. फ्रेंड्स, सो आपके पर्सन, मुझे ऐसा लग रहा है पर्सन कोई भी हो सकते हैं, क्रश हो सकते हैं, हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, आपके एक्स हो सकते हैं, सोलमेट ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, बट आई फील ऐसा लग रहा था कि ये पर्सन आपसे ओपन आप नहीं हो पा रहे थे, अपने दिल या अपने जज्बात शेयर नहीं कर पा रहे थे. नाउ दिस पर्सन इज़ मोर रेडी, गेटिंग मोर कॉन्फिडेंट टू शेयर देयर फीलिंग्स. हाउ इज़ आवर व्यूअर्स पर्सन फीलिंग? द हाई प्रीस्टेस, बहुत सारी टेलीपैथी चल रही है आप दोनों के बीच में. मैंने कुछ वो एक गाना भी है ना, आई कीप हियरिंग दैट सॉन्ग, विच सॉन्ग इज इट, एंजल्स प्लीज. मैंने कुछ कहा, विच सॉन्ग इज इट, दैट सॉन्ग, यू नो, अभी तो नहीं कभी कुछ भी नहीं, यू नो देयर इज दैट सॉन्ग, इट्स एन ओल्ड सॉन्ग, इट्स अ क्लासिक सॉन्ग, इट्स नॉट अ न्यू सॉन्ग. फ्रेंड्स, मुझे नए गाने शायद आते भी नहीं है, या पता नहीं आपके पर्सन को पसंद है नए पुराने गाने ज़्यादातर. यू नो, अभी तो नहीं कुछ भी नहीं, सो यू नो, सो आई फील लाइक देर इज़ अ लॉट ऑफ टेलीपैथी गोइंग ऑन बिटवीन यू एंड योर पर्सन. आई ऑल्सो फील दैट आपके पर्सन आपसे कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, काफ़ी कुछ आपको मैनिफेस्ट भी करना चाह रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू मैनिफेस्ट यू बैक. हो सकता है आपसे एक मीटिंग मैनिफेस्ट कर रहे हैं. द फूल, येस, दे वॉन्ट अ न्यू स्टार्ट विद यू, फ्रेश स्टार्ट, क्लीन स्टार्ट. जहाँ अगर आप दोनों का ब्रेकअप हुआ है, आप दोनों के बीच में कोई मन मुटाव है, ब्रेकअप है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, तो डेफिनेटली आपके पर्सन चाहते हैं बात करना, फ्रेश स्टार्ट लेना, पुराना सब कुछ भुला के एकदम नया फ्रेश स्टार्ट करना. आई ऑल्सो फील दे आर टेलीपैथिकली, बिन कहे बिन बोले तुम सब सुन लो, ऐसा कुछ वो आपसे कोशिश कर रहे हैं कहने की. आई थिंक आप किसे ड्रीम्स में बहुत कनेक्ट कर रहे हैं, आपको बार बार आपके पर्सन का नाम सुनाई दे रहा है, या कोई गाने सुनाई दे रहे हैं, या कोई स्पेसिफिक मेमोरी है आप दोनों के बीच, वो बार बार हो रही है. चैरियट, आई वॉन्ट टू मेक अ मूव टूवर्ड्स यू. आई ऑल्सो फील हो सकता है आपके पर्सन ने रिसेंटली रिलोकेट करा है, या वो करने की सोच रहे हैं. आई डू फील हो सकता है आपके पर्सन मैरिड हो, सो दे आर या थर्ड पार्टीज हैं, या आप दोनों के बीच में फैमिली आ गई, रिलीजन, कल्चर, ट्रेडिशन, फैमिली. आई फील वहाँ से जो भी चीज़ आप दोनों के बीच आई है फ्रेंड्स, आई फील योर पर्सन इज़ ट्राइंग टू शिफ्ट एंड ओवरकम इट. मुझे ऐसा भी लग रहा है, बिसाइड्स आपके और उनके बीच, हो सकता है इस पर्सन ने हाउस चेंज करा हो, शिफ्ट करा हो, रिलोकेट करा हो रिसेंटली. थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, येस, आई एम ब्लॉक्ड, माई हार्ट चक्रा इज़ ब्लॉक्ड, आई वॉन्ट टू टॉक टू यू, आई एम नॉट हैप्पी विदाउट यू. सो डेफिनेटली फ्रेंड्स, बहुत मिस कर रहे हैं आपके पर्सन आपको. आई फील ये क्राई, रोए भी हैं रिसेंटली, या बहुत गुस्सा जैसे आता है ना, आई कैन फील अ लॉट ऑफ एंगर, फ्रस्ट्रेशन इस पर्सन के अंदर, कि वो आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं, कह नहीं पा रहे हैं, या पास्ट में जो हुआ उसको लेके थोड़े से ये दुखी हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं. एक और चीज़ मुझे लग रही है फ्रेंड्स, आई फील लाइक के यू नो, हो सकता है आप दोनों में रिसेंटली कोई कहा सुनी हुई हो, उस वजह से यू नो दे नो दैट, यू नो दे नो दैट दे हैव बीन एट अ रॉन्ग प्लेस. उन्होंने आपसे कुछ गलती में, यू नो, जल्दबाजी में कह दिया जो कि गलत हो गया. नाइट ऑफ वॉन्स, आई फील दिस पर्सन ये पहले करते हैं और बाद में सोचते हैं. सो आई फील के वो ऐसा कुछ हुआ है रिसेंटली, आप दोनों में कोई लड़ाई झगड़ा, या उन्होंने आपके फ़ोन नहीं उठाए, आपको ब्लॉक कर दिया, गोस्ट कर दिया. दे आर वेरी सॉरी फॉर इट फ्रेंड्स, अगर ऐसा उन्होंने किया है तो इस पर्सन इज़ रियली सॉरी. आई ऑल्सो फील हो सकता है उन्होंने आपको यू नो जल्दबाजी में किसी से जाके शादी कर ली, या वो किसी और फैमिली की सुन के किसी और के साथ हैं, या रिलीजन, कल्चर, या अपने करियर के लिए वो किसी अपने काम पे फोकस कर रहे हैं. आई फील दिस पर्सन इज़ अ लिटिल इम्पल्सिव, और वहाँ से आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स आ रही हैं. आपके पर्सन एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, एक्वेरियस, लीब्रा, जेमिनी हो सकते हैं आपके पर्सन. आई ऑल्सो फील देर इज़ अ ट्रुथ योर पर्सन वॉन्ट्स टू टेल यू. ऐसा कुछ है जो उन्होंने अभी तक आपसे कहा नहीं है, और कुछ है जो वो कहना चाहते हैं. शायद आपको लगता होगा कि वो तो बिल्कुल सुखी हैं, दुखी नहीं है, ऐसा तो कुछ है ही नहीं, सोशल मीडिया पर देखो तो भी नहीं दिखता. आई थिंक दिस पर्सन इज रियली क्राइंग फॉर यू, एंड दे वॉन्ट टू टेल यू दैट लाइक समथिंग हैज शिफ्टेड इन दिस पर्सन लाइफ, और वो आपसे शेयर करना चाहते हैं. द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, येस, अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग फॉर यू. आई फील आपके पर्सन को भी पता, वो भी रेडी है मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, कि हाँ एक न्यू चेंज, या एक न्यू चैप्टर, एक न्यू, हो सकता है आप दोनों
मे बी बात करो, मे बी हो सकता है आप अभी रेडी ना हो टू बी लवर्स और टू बी पार्टनर्स अगेन, बट हो सकता है यू वॉन्ट टू बी फ्रेंड्स और यू वॉन्ट टू स्टे इन कॉन्टैक्ट विद दिस पर्सन. डेफिनेटली उसी सही वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं आपके पर्सन. आई ऑल्सो फील फ्रेंड्स अ लॉट ऑफ मेजर शिफ्ट इज़ गोइंग ऑन इन दिस कनेक्शन बिहाइंड द सीन्स. सो काफ़ी कुछ बदल रहा है बिहाइंड, आपको नहीं दिख रहा होगा. द वर्ल्ड येस अ बिग चेंजेस आर हैपनिंग. आपके पर्सन रेडी हैं टू कम आउट ऑफ देयर कम्फर्ट जोन, पहले नहीं थे अब रेडी हैं. आप देख रहे होंगे बहुत सारे बटरफ्लाइज हैं, आउल है, यहाँ बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन वाले साइंस हैं. द वर्ल्ड आई फील डेफिनेटली दे फील द वर्ल्ड, यू आर देयर वर्ल्ड. आप जैसा कोई नहीं है यू नो उनकी लाइफ में. नाइन ऑफ पेंटिकल्स, दे ऑल्सो सी दैट यू आर वेरी इंडिपेंडेंट एंड उन्हें नहीं पता कि अगर वो आपके पास प्यार मोहब्बत का इजहार इश्क लेके आएंगे तो आप कबूल करोगे क्या. मुझे तो लगता है आप करोगे लेकिन उन्हें लगता है शायद आप ना करोगे. सो थोड़े से आपके उससे डरे हुए हैं. स्ट्रेंथ आई फील उनको लगता है कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है, प्यार मोहब्बत बहुत स्ट्रांग है. यहाँ अभी भी आपकी तरफ जो अट्रैक्शन है आपके पर्सन का वो भी बहुत स्ट्रांग है. आई ऑल्सो फील हो सकता है इससे पहले आपके पर्सन कुछ हेल्थ इश्यूज से गुजर रहे थे. डिप्रेशन है, एनजाइटी है, अभी भी हार्ट एक है, ब्लॉक्ड हार्ट चक्रा लग रहा है, थ्रोट चक्रा भी ब्लॉक लग रहा है इनका. आई फील दिस पर्सन इज गोइंग थ्रू सम सॉर्ट ऑफ एन इशू, हेल्थ इशू, जिससे वो रिकवर कर रहे हैं या ओवरकम कर रहे हैं. जैसे सेल्फ कॉन्फिडेंस इशूज थे उससे ओवरकम कर रहे हैं, रिकवर करेंगे वो, कोशिश कर रहे हैं. किंग ऑफ वॉन्स, या आई फील दिस पर्सन इज योर डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन, दी ट्विन फ्लेम, दी पार्टनर ऑफ योर लाइफ. एंड आई फील वो कोशिश कर रहे हैं यू नो आपके सपनों के राजा या सपनों की रानी बनने की. लाइक दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट टू बिकम द राइट पार्टनर फॉर यू. सेवन ऑफ कप्स, कन्फ्यूजन. या आई फील अभी भी आपके पर्सन जो हैं आपसे बात करना चाहते हैं. दे आर वेरी श्योर अबाउट मेकिंग अ मूव टूवर्ड्स यू. आई ऑल्सो फील अगर ये सिंगल है तो डेफिनेटली दे वॉन्ट अ प्रपोज मैरिज वगैरह आपको. बट थोड़ा सा कन्फ्यूजन किस स्टेज का है, देखिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन आया है. वॉट इज देयर, वॉट आर दे कन्फ्यूज अबाउट. द किंग ऑफ कप्स, वाओ, उनको अपने दिल से थोड़ा डर है. आई ऑल्सो फील उनको रिजेक्शन का डर है कि शायद वो अगर दिल यू नो अपना दिल लेके आएंगे तो शायद यू नो दैट सॉन्ग, शीशा हो या दिल हो, आके टूट ही जाता है. सो समवेयर दे आर स्केर्ड ऑफ रिजेक्शन. कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज हो सकते हैं आपके पर्सन. एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं. आई ऑल्सो फील डबल पार्टीज है. हो सकता है आपकी लाइफ में कोई और आ गया इसलिए आपके पर्सन थोड़े से हेजिटेंट हैं कि क्या करें, यू नो अप्रोच करें नहीं करें. How this person sees you, our viewers, right now. Let's see that. Three of Pentacles. They see आप बहुत busy हो friends. आप बहुत सारे levels पे अच्छा कर रहे हो अपनी life में, career में, life में अच्छा कर रहे हो. You are looking good. You are feeling great. आपको बहुत help है, support है universe का life में. आपके उनको ऐसा लगता है you are doing great in your life. Six of Swords. You have moved on. You don't care about this person. पेज ऑफ वॉन्स, या उनको लग रहा है कि आपके पास बहुत सारी डेट्स हैं और आप बहुत ही मतलब खुश मिजाजी में हो. आपको कोई और साजन मिल गए हैं ऐसा लग रहा है उनको. लेकिन आई फील के यू नो दे, या फाइव ऑफ वॉन्स, कॉम्पिटिशन. उनको लग रहा है दैट यू आर सो अट्रैक्टिव, यू आर सो अमेजिंग. आप सिंगल तो नहीं होगे, आप डेफिनेटली किसी के साथ होगे, या आपको पाने के लिए अब थोड़ा सा मशक्कत करनी पड़ेगी उन्हें. फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, आई डू फील के हो सकता है कि वो आपको रीच आउट करेंगे और आपसे कुछ कहेंगे लेकिन उनको लगता है कि आप इतनी जल्दी हाँ नहीं कहोगे. दैट्स हाउ दे फील, लाइक यू आर नाउ हार्ड टू प्लीज. रिलेशनशिप्स हो या थर्ड पार्टीज, हो सकता है आपके कनेक्शन को अफेक्ट कर रही हैं. फैमिली भी लग रहा है मुझे कर रही है काफ़ी हद तक. मे बी फैमिली इज़ द रीज़न यू गाइज आर नॉट टुगेदर. आई ऑल्सो फील हो सकता है उनका वर्क और करियर आप दोनों के बीच आ गया. पेशेंस, या आई थिंक योर पर्सन इज ट्राइंग टू से स्टे काम, बी पेशेंट. बहुत सारी चीज़ें बिहाइंड द सीन्स चल रही हैं इस कनेक्शन में. आई ऑल्सो फील योर पर्सन, यू नो द यूनिवर्स इज ट्राइंग टू टेल यू बी काम, बी पेशेंट, गिव ईच अदर सम टाइम. स्पेशली अगर आप मैरिड हैं इस पर्सन से तो गिव देम सम टाइम. हो सकता है आप उनकी फैमिली, इन लॉज या उनकी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हों, करियर में भी चल रहे हों, जिसकी वजह से वो आपको टाइम नहीं दे पा रहे हैं. आप थोड़ा सा रिलैक्स कर लो. एडवर्सिटी, आई फील योर पर्सन इज फेसिंग सम चैलेंज फ्रेंड्स. इट्स नॉट ईजी फॉर देम. इनका दिल टूटा है, डर भी है, हेल्थ इश्यूज भी रहे हैं इन्हें.
हो सकता है डिप्रेशन एन्जाइटी भी रहा हो या कोई सब्सटेंस अब्यूज रहा हो, उससे ये ओवरकम कर रहे हैं, बहुत हद तक कर चुके हैं, बस थोड़ा सा ही हील होना बचा है और फिर आपके पास आ जाएंगे या आपसे एक नई शुरुआत के चांस है. बट यू नो द रीज़न यू गाइज आर अवे राइट नाउ इज बिकॉज दे आर स्टिल हीलिंग एंड रिकवरिंग. सी फॉरगिवनेस, दे वॉन्ट योर फॉरगिवनेस, दे डेफिनेटली एंड डेस्परेटली आपसे फॉरगिवनेस चाहते हैं आपके पार्टनर. चलिए देखते हैं वट एल्स. रिस्पॉन्सिबिलिटी, या आई थिंक आपको ऐसा लगता होगा, आपने कहा होगा कि यार तुम तो रिस्पॉन्सिबल ही नहीं हो, तुम तो ऐसे बात ही नहीं करते हो, या कह के कोई प्रॉमिस करके पूरा नहीं करते, या तोड़ जाते हो, या गोस्ट कर रहे हो, ब्लॉक कर रहे हो, बहुत ही इमेच्योर हो, क्योंकि आपके पर्सन काफ़ी स्पॉन्टेनियस लग रहे थे, एकदम तुरंत ऐसे बिहेव करने वाले लग रहे थे, इम्पल्सिव लग रहे थे. तो आई थिंक आपके पर्सन, यू वॉन्ट देम टू बी रिस्पॉन्सिबल, राइट? दैट्स वॉट वी ऑल वॉन्ट इन लव, जो कि रहें. It's like love is like, I don't know. हो सकता है आपने इनको कहा है you are not responsible. So I think your person is becoming responsible. वो कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं to become the right kind of person and to heal their issues also. Again, number 10 important है. 10th of month भी important हो सकता है. 10th is October, right? October important है. प्रॉस्पैरिटी, सो काफ़ी सारे आपके हो सकता है पर्सन को लगता हो कि वो उनके पास पैसे की कमी है, दे नीड मोर फाइनेंशियल सिक्योरिटी, दे नीड टू स्टैंड अप ऑन देयर फीट ताकि वो आपके साथ खड़े हो सकें. आई ऑल्सो फील नंबर 32 इम्पॉर्टेंट है. अगर आपके पार्टनर 32 के नहीं हुए हैं तो प्रॉबेबली व्हेन दे आर 32 ईयर्स यू विल मीट दिस पर्सन अगेन और यू विल मैरी देम. हाँ, हीलिंग हार्ट, सो आप दोनों के बीच बहुत हीलिंग चल रही है फ्रेंड्स. मे मंथ इम्पॉर्टेंट लग रहा है, फिफ्थ ऑफ फेब्रवरी, मार्च भी इम्पॉर्टेंट लग रहा है मुझे यहाँ पे. आई फील फ्रेंड्स, इट इज़ लाइक आपके पर्सन बहुत रो रहे हैं आपको लेके फ्रेंड्स. देर इज़ अ लॉट ऑफ पेन इन दिस पर्सनस हार्ट एंड आई फील दैट इट इज़ देर इज़ डिवाइन डेस्टिनी हियर इन दिस कनेक्शन. समथिंग इज़ हीलिंग इन दिस कनेक्शन और आप दोनों को एक फ्रेश स्टार्ट मिलेगा. हो सकता है उसके बाद आप दोस्त रहो, हो सकता है आप दोबारा से यू माइट बिकम पार्टनर्स इफ़ यू वॉन्ट दैट. आई फील इट्स अप टू यू आफ्टर द फ्रेश स्टार्ट कि आप क्या करना चाहते हो इस कनेक्शन में, राइट? लेट्स सी वॉट विल हैपन इन द नियर फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन. ओ माई गॉड, dedicated efforts. Your partner will definitely take some efforts towards you. I also feel हो सकता है वो अगर आपके घर के आस पास हैं तो next 8 घंटे, 8 दिन, 8 हफ्ते में आपसे मिलने आ सकते हैं. हो सकता है वो आपके लिए कोई गीत लिख दें, गज़ल लिख दें. वो है भी ना एक गज़ल के बहुत खूबसूरत गज़ल लिख रहा हूँ तुम्हें देखकर आजकल लिख रहा हूँ. सो आई थिंक लाइक दिस पर्सन इज़ क्रिएटिंग अ मास्टरपीस फॉर यू. सो यू नो लव, एवरी लव रिलेशनशिप इज़ अ मास्टरपीस. इट इज़ नॉट समथिंग, इट्स अ वर्क ऑफ आर्ट. हम सब आर्टिस्ट हैं, या यू कहें कि हम सब प्यार और मोहब्बत, वी आर ऑल हार्टिस्ट, दैट्स द राइट वर्ड. सो आई थिंक योर पार्टनर इज़ टेकिंग सम, दे विल मेक सम एफर्ट. या वी अगेन व्हील ऑफ फॉर्च्यून फ्रेंड्स, बहुत सारे व्हील ऑफ फॉर्च्यून आए हैं आपके लिए. 3 आ चुके हैं. ये देखिए, यहाँ पे भी व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, एक और डेक से भी व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया था आपका, राइट? एक और भी था, आई डोंट नो, दिस इज ऑल्सो फ्रॉम अनदर डेक, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून. दिस इज ऑल्सो 10, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून. या सी, Wheel of Fortune and Wheel of Fortune. I feel बहुत सारे कार्मिक चेंजेस होने वाले हैं आपके रिलेशनशिप के अंदर. अगर थर्ड पार्टीज थे तो डेफिनेटली वहाँ से आपको निजात मिलेगा और चीज़ें बेहतर होंगी. आने वाले दिन में एक नई कार्मिक साइकिल, एक न्यू स्टार्ट आप दोनों को मिलने वाला है. यू हैव टू कीप योर हार्ट ओपन बट इट्स वेरी नेसेसरी. रिलीज, पास्ट को आपको जाने देना होगा. जो भी आपके बीच लड़ाई झगड़े हैं, यू हैव टू फॉरगिव देम, यू हैव टू फॉरगिव योर सेल्फ ऑल्सो. आई फील अट्रैक्शन आप दोनों के बीच बढ़ने वाला है. अगर आपको लग रहा है कि अरे यार हमारा तो अट्रैक्शन ही नहीं बचा अब इस पर्सन के लिए, हम तो इनसे दूर रिपल्सिव महसूस कर रहे हैं, आई थिंक आप दोनों के बीच अट्रैक्शन बढ़ेगा फ्रेंड्स. जस्ट वेट एंड वॉच, ट्रस्ट मी ऑन दैट. आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है? फ्लो, या गो विद द फ्लो, डोंट वरी. जैसे चल रहा है चलने दो. आपकी इस कनेक्शन में एक न्यू स्टार्ट आएगा. थोड़ा सा सब्र रखो आप. And focus on being happy.
आई ऑल्सो फील कि आपको अगर आपको लगता है कि पर्सन बिल्कुल आपके लिए सूटेड नहीं है या बिल्कुल आप जैसे नहीं हैं, आई ऑल्सो फील कि आपको लाइक माइंडेड दोस्त और मिलेंगे. आई थिंक या आप दोनों आइसोलेटेड फील कर रहे हो कि यार आपकी फैमिली एक्सेप्ट नहीं करती, उनकी एक्सेप्ट नहीं करती, तो यू विल फाइंड द पीपल हु विल एक्चुअली सपोर्ट एंड अंडरस्टैंड योर कनेक्शन. मे बी आप लोग प्राइड से हैं या आप लोग स्टार सीड्स हो सकते हैं दोनों जने, या आप दोनों में कुछ एज गैप है इस कनेक्शन के अंदर, या आप डिफरेंट रिलीजन कल्चर से हो, सो देर इज़ समथिंग डिफरेंट अबाउट यू एंड दिस पर्सन दैट यू विल लर्न टू एक्सेप्ट. या आपको ऐसे लोग मिलेंगे जिनको देख के आपका, कहते हैं ना कि प्रेम में विश्वास बनेगा. सो कह रहे हैं कि आजकल लोग कह रहे हैं कि ना लव में कोई किसी को विश्वास नहीं. फ्रेंड्स, आप विश्वास कैसे होगा? वी नीड टू बिल्ड दोज कनेक्शंस ना. पहले सबके होते थे, एवरीबडी यूज़ टू बी मैरिड, पीपल यूज़ टू डू लॉट फॉर लव. आप देखो गालिब बन गए है ना, शेक्सपियर ने इतने प्लेज लिखे लव के लिए. अभी लोग यू नो लाइक व्हाट आर पीपल डूइंग फॉर लव? नथिंग, राइट? सो बी एन एग्जाम्पल, राइट? दैट्स व्हाट. और यू विल मीट सम पीपल हु विल इंस्पायर यू इल्यूमिनेशन. सो काफ़ी सारे ब्रेक थ्रूज आ रहे हैं आपके लिए. फ्रेंड्स, कीप दैट इन माइंड, यू आर मूविंग फॉरवर्ड. अगर आपको ऐसा लग रहा है आप स्टक हो, आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, डोंट वरी, दिस कनेक्शन इज़ मूविंग फॉरवर्ड. चाहे भले ही कुछ हो ना, आपको दिख रहा हो या नहीं दिख रहा हो, एनर्जेटिकली तो हम हमेशा ही आगे बढ़ रहे होते हैं. फ्रेंड्स, आप कहोगे कि यार ये क्या बात हुई. फ्रेंड्स, मैं इसका एग्जाम्पल आपको ऐसे दे सकती हूँ दैट जैसे आपने देखा स्काई कभी सेम नहीं रहता है. स्काई हमेशा ब्लू है, या ऑफ कोर्स स्काई इन्फिनिट है ऑफ कोर्स, लेकिन हमेशा उसमें बादल आते रहते हैं, कुछ ना कुछ होता रहता है. सो यू नो वो सब हो रहा होता है, लेकिन फिर भी स्काई इट्सेल्फ इज़ इन्फिनिट एंड ब्लू, राइट? सो दैट्स हाउ लाइफ इज. एनर्जेटिकली चीज़ें हो रही हैं बिहाइंड द सीन्स. ओके, एनी एडवाइस फॉर यू? हैव फेथ इन योर ड्रीम्स. तो आप बिल्कुल प्यार और मोहब्बत पे विश्वास बनाए रखें, खुद पे विश्वास बनाए रखें, बिकॉज मुझे लग रहा है अगर आपका विश्वास कमज़ोर पड़ता है तो आपके पर्सन का तो बिल्कुल ही डगमगा जाता है. सो यू हैव टू बिलीव इन लव फर्स्ट, सो दैट ये पर्सन या कोई भी लव आपकी लाइफ में आ सके, राइट? एंड यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल. लुक एट दैट फ्रेंड. सो आप बहुत बहुत क्लोज हो अपनी लव लाइफ या अपने रिलेशनशिप्स को अचीव करने के लिए. So...